ना सर झुका है ना झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पे जिए और देश के लिए जिए, जिंदगी है वही। सो सबको आजादी का दिवस मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो 15 अगस्त, अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। सो वेरी 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 हैप्पी रिटर्न फॉर द इंडिपेंडेंस डे एवरीबडी। सो आज की खबर, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहां पे होने जा रहा है जी? गांधीनगर गुजरात में। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भी यहीं पे बना था इंटरनेशनल WHO का, और ग्लोबल समिट भी यहीं पे हो रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन एज यू अंडरस्टैंड आयुष वाली सारी, राइट? देन इंडिया इंडक्ट्स न्यू हेरॉन Mark 2 ड्रोन्स। सर Mark 2 ड्रोन्स, ये Mark 1 के ऊपर इंप्रूवमेंट है। क्या करेगा सर? पेपर के लिए रेलिवेंट। मैक्सिमम रेंज है इसकी 3,000 किलोमीटर, एंड्योरेंस 24 घंटे लगातार चल सकता है। सो हेरॉन इज Mark 2 इज अ ड्रोन, 3,000 किलोमीटर एंड 24 आवर्स। एंड हरियाणा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है जी एट कुरुक्षेत्र, एट कुरुक्षेत्र, राइट? रिमेम्बर दिस। देन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनइफेक्टिव है। तो ये है क्या NBDSA? NBDSA इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी, सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी कि क्या ब्रॉडकास्ट किया जाएगा क्या नहीं। रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेटिंग है, जस्ट लाइक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो रिमेम्बर NBDSA और NBDSA इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी विच सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टू बी इनइफेक्टिव। देन पेपरों में ये बहुत आ रहा है जी, चुशूल मोल्डो कहाँ है, क्या है, कहाँ है, क्या है। सो चुशूल मोल्डो इज अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन द इंडियन एंड चाइना आर्मी। ये लद्दाख में लोकेटेड है, रेगुलर इंटरेक्शन होती हैं। अभी यहाँ पे जो बॉर्डर का कंफ्लिक्ट है उसे डिफ्यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। सो यहाँ पे आर्मीज मिलती हैं, चुशूल मोल्डो, रिमेम्बर इट इज इन लद्दाख, इंडो चाइना की आर्मीज का मीटिंग पॉइंट। देन सर कॉन्सोल बॉन्ड, कॉन्सोल बॉन्ड। सो बॉन्ड हमेशा वो पेपर होता है जिसपे लोन लिया जाता है। सो कॉन्सोल बॉन्ड एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड है जिसे परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, मतलब हमेशा के लिए। दैट मीन्स इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। ये एक तरह से आपको फिक्स्ड इनकम देता रहेगा बट इसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। सो इसे कहा जाता है डेट की जगह इक्विटी ज्यादा लगता है क्योंकि इसकी मेच्योरिटी डेट नहीं है। बट मेच्योरिटी कब हो सकती है? एट द इश्यूअर्स डिस्क्रिशन। सो सरकार क्या करती है, ऐसे बॉन्ड्स का तब यूज करती है जब कैपिटल की, पैसे की काफी कमी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग कंसोल बॉन्ड्स इशू करे थे। सो इंडिया में क्या हो रहा था जी, कोविड के टाइम कईयों ने बोला कि पीएम केयर्स फंड की जगह कंसोल बॉन्ड, सर कंसोल बॉन्ड इशू कर देने थे, दैट वुड हैव बीन बेटर, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन कीवर्ड्स ऑफ द डे सर, मोदी साहब की स्पीच से त्रिवेणी, आज 15 अगस्त पे बहुत ही जबरदस्त स्पीच थी, सो सुन लेना प्लीज। तो त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या बोला उन्होंने, द मीटिंग ऑफ थ्री थिंग्स इन इंडिया। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो व्हाट अ ब्यूटिफुल नेशन वी हैव। सो यूजेज इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एसेज में आप डेफिनेटली इसका यूज करना, बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी लिया। कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।